है आन न्यू ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? एंड आई होप्स आप अच्छे होंगे। नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग ज़्यादा लॉन्ग नहीं आएगा, बट शॉर्ट आएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने जन्माष्टमी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तो अभी लिटरली मैंने अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं लिया, थोड़ा ही लिया है, पर अभी आज से करेंगे हम अपनी जन्माष्टमी की जो मिठाइयाँ वगैरह है बनाने की तैयारी। तो मैं शूट करूँगी, तो आपके साथ उनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो फिलहाल जो जन्माष्टमी की मैंने शॉपिंग की है वो छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, दबा के शेयर करना। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देना कि आपको सामान कैसा लगा। तो फटाफट से आपको दिखा देते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए झूला भी है, वो भी आपने मेरी वीडियो में पिछली वीडियो में देख लिया। सोफ़ा भी है, उनकी चारपाई भी है और बेड भी है। तो मेन बात हमारे पास क्या नहीं था, फुल बंगला, जो मैंने अभी परचेज किया है और बहुत ही सुंदर, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मतलब वो नहीं था वैरायटी में नहीं थी, उनके पास सिर्फ दो ही थे, वे दो ही लेके आए थे। और मवाने में एक ही दुकान है जो बढ़ के मतलब गोल मार्केट से अंदर जाके बढ़ के नीचे सामने छोटी सी दुकान है, और सबसे अच्छा और सामान मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ से लिया है मैंने ये, तो मैंने ट्राई भी नहीं किया, दोनों वैरायटी उनके पास थी तो मैंने ले लिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मजबूत भी है फूल बंगला। तो आपको दिखाते हैं कैसे लगा। तो फिर तो लुक एट दिस, ये इसके ऊपर का है और ये है, ये इसके नीचे का है, और इसके ये ऐसे करके ये आपको नजर आया, देखो ऐसे करके। उनको अच्छा लगता है तो उनके लिए छोटा सा प्यारा सा ये फूल बंगला। तो आपको कैसा लगा? फरमाइश है वो कितनी मेरी बहन ने, तो ये उसी के मतलब उसके गहने पे ज़्यादा लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। वो टीवी में देख रही थी कि कान्हा जी के लिए फूल बंगला भी आता है, तो वो भी लेके आया। मैंने कहा चलो भाई इस बार खरीद ही लेते हैं। तो फ्रेंड, सेकंड इनके लिए मैं लेकर आई थी मतलब ये, और एक सेकेंड सेकंड लेके आई थी मैं ये, और मैं ना ये ऐसे सेट कर रही थी, ये ना नीचे दो ये इसका कि ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे होल है, उसमें मैं ऐसे कर रही थी। तो ये है कान्हा जी के नहाने का टब, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो जिसके घर पे कान्हा जी हैं वो ज़रूर परचेज करें, अच्छा लगता है। जब हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी हैं तो हम उनको नहलाएं, और ये थोड़ा शावर टाइप है, मतलब पानी वगैरह तो निकलता नहीं, बट ये थोड़ा टैप वगैरह और ये शावर, ये टैप हो गई हमारी दोनों, ये शावर हो गया। तो आपको कान्हा जी का टब कैसा लगा नहाने का बताना ज़रूर। सी मुझे बहुत प्यारा लगा था ये वाला, मैंने भी देखा था, अच्छा लग रहा है ना। तो ये हो गया, सेट कर दूंगी मैं, हो जाएगा, क्योंकि मैंने शॉप पे करा था, क्योंकि ये हो गया, हो भी गया देखो, अब बिल्कुल नहीं हो गया ना ये।
उनको उनकी अब यहाँ पे पेटी में रखे हुए थे ना, तो ये चीज़ अलग रखी हुई थी, ये चीज़ अलग ऐसे सेट करके रखे हुए। तो ये हो गया हमारा, तो फ्रेंड्स ये हो गया। और सबसे मेन बात दूसरी ये लेकर आई थी मैं कान्हा जी के लिए उत्तर चंदन, चंदन का इत्र। जब कान्हा जी को हम रेडी करेंगे जन्माष्टमी पे तो उनको इत्र लगाते हैं ना। ये सेट कर लेती हूँ कैमरा भी, दूसरी सो रही है ना कि, तो उसने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। तो ये है और ये देखो, इसको ऐसे करके ऐसे ये ऐसे उनकी जब ड्रेस कैसे लगाते हैं ना, इत्र है ये उनके लिए जो कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो ये इत्र था उनके लिए। और फिर ये चमेली के फ्लेवर में धूप बत्ती थी, एक लेकर आई थी मैं ये वाला डब्बा, एक लेकर आई थी मैं चंदन का, एक लेकर आई थी मैं और दो, मतलब आपको तो पता रक्षाबंधन दिन वाले मैंने शॉपिंग कर ली थी, तो दो तो निकाल लिए, अब ये वाला बचा है, अभी वो चल रहे हैं, दो निकाल लिए और ये की बचा है। तो आप कौन सी है ये लेवेंड्रा, लेवेंड्रा की है अजंताज इनक्रीज कॉन, इनकेंस कॉन्स, इनकेंस सॉरी इनकेंस कॉन्स। तो ये आप, ये बहुत अच्छी है, ये आप एक बार देखना ट्राई करके। तो फिर आते हैं इनके हम सबसे मेन बात, जब मैं अपना दरबार सजाऊंगी थी, दरबार सजाऊंगी तो उनके लिए मैं कुछ बैलून्स लेकर आई हूँ, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे है और बर्थडे में बैलून ना हो ऐसा तो नहीं होता। तो आप बैलून ज़रूर लगाना अपने दरबार में। तो ये मैंने लगाई थी रंग बिरंगे बैलून्स हार्ट की शेप में, तो ऐसे ही मैंने परचेज कर लिए थे। और सबसे मेन बात आती है कान्हा जी के ड्रेस के बारे में, है ना, क्योंकि जब बर्थडे होता है सबसे मेन क्या होता है भाई, कपड़े। तो फ्रेंड्स ये लेकर आई थी मैं दिन के लिए, जो मैं दिन में पहनाऊंगी ड्रेस, ये निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये ऊपर का ब्लाउज हो गया, ये पीछे, तो ये ऊपर ऐसे मोर की शेप में है, अब दिख रहा होगा आपको अब। तो ये लेकर आई थी मैं दिन के लिए ड्रेस, जो मैं अपने कान्हा जी को दिन में पहनाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा, और ये पीछे से ऐसी है बिल्कुल येल्लो, उसमें ऐसी भी नहीं है, बहुत प्यारी। मैं निकाल आप लोगों के लिए निकाल के दिखा देती हूँ, मैंने कभी नहीं निकाली, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। ये देखो कितनी प्यारी है ये ड्रेस, और कितनी शाइन भी है, शाइन अच्छी आ रही है ना, शाइन भी है। और ये देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे कान्हा जी ऐसे बैठेंगे ना, ऐसे करके आएंगे, ऐसे करके। तो ये कान्हा जी की ड्रेस है ऐसे करके। तो और इनके साथ में लेकर आई थी मैं दिन में पहनाने के लिए डेली यूज़ की ये वाली माला, ये आपको दिखेगी छोटी सी है, इसमें दो मोती है बीच में और ये बीच में एक मोती है। तो लेकर आई थी मैं ये, तो होगी दिन में पहनाने के लिए इनको। और मुकुट मेरे पास मैचिंग का था इनके लिए दिन में पहनाने के लिए। तो अब आती है मेन बात, जो रात को कान्हा जी का जन्म होता है उसके बाद हम कौन से ड्रेस पहनाते हैं, सबसे मेन तो वही होता है। तो अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है उनकी वाइट कलर की ड्रेस, और मुझे बहुत दिन से ये था कि मैं अपने कान्हा जी को वाइट कलर की ड्रेस पहनाऊँगी, क्योंकि तो मैं फटाफट से ये वाली खोल के दिखा देती हूँ। ये रही इनकी वाइट कलर की ये वाली ड्रेस, तो ये ऐसे हैं, मतलब नीचे ये पूरा ऐसे क्रॉप टाइप है मतलब, और ये पूरी ड्रेस है, ये वाला पोर्शन अलग है। तो वो बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये वाली, और इसके ही मैचिंग का मतलब ये फ्रॉक है इनका इस तरीके से, तो इसी के मैचिंग का मैं दिखाऊंगी आपको। हाँ इसी के ही मैचिंग का मैंने लेकर आई थी ये वाला मुकुट, बताना एक बार कमेंट्स करके कैसे लगा, क्योंकि ना बहुत सारे भी आ रहे हैं ना इसमें फूल, तो फूल से मुझे फिर ये येलो थोड़ा हटके भी होगा, कंट्रास्ट में चल रहे हैं आज तक तो, गोपाल जी की जो ड्रेस है वो भी इसमें। तो ये मुकुट लेकर आई थी मैं, जो हर कलर आ रहे हैं, प्यारा लग रहा है ना मुकुट, देख लेना आप।
तो इनकी मैचिंग का मैं लेकर आई थी इनकी ये माला जो नेकलेस टाइप है बिल्कुल कहीं नहीं दे रही आप दिखेगी पता नहीं क्या हो रहा है ये देखो शायद अब दिख जाए अब दिख जाएगी आपको ऐसे ये तो ये लेकर आई थी मैं कान्हा जी की पायल तो फ्रेंड्स ये है पायल ये है कान्हा जी की दो पायल येलो कलर की कितनी प्यारी लग रही है ना कान्हा जी की पायल तो मैं लेकर आई थी फटाफट से दिखा देती हूँ और ये मैं शहद लेकर आई थी क्योंकि शहद नहीं था ना हमारे घर पे छोटी सी शहद थी और ये लेकर आई थी मैं सबसे मेन चश्मे मैंने सुना था ये चश्मे कान्हा जी के ये दिखाती हूँ आपको निकाल के ये उनके नगों से जुड़े हुए बिल्कुल चश्मे चश्मे कैसे लग रहे कमेंट्स करके जरूर बताना चश्मे तो वही बनते हैं कमेंट्स और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो अच्छा लगा ना सारा सामान तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो दबा के शेयर करो और सबसे ये सबसे मेन बात तो यही है उनके बाल जो मैंने चेंज किए हुए इस बार वैसे थे भी फ्रेंड्स उनके लिए मैं लेकर आई थी कान्हा जी की मेवा जो मैं अलग से लेकर आई थी तो फ्रेंड्स ये लेकर आई थी मैं मखाने का पैकेट ऊपर कब हो गया और ये क्या है ये है उनके प्यारे से पहली बार तो मखाने लगेंगे ना ट्रेडिशनल टेस्ट तो ये लेकर आई थी मखाने कान्हा जी की जो छठी की व्रत हो गई मैं अभी ले आई निकलते हैं कि बार बार ना जाए तो ये लेकर आई थी मखाने 200 तो मैं ये लेकर आई हूँ छठी के लिए ड्रेस गोल्डन काजू काजू ये लेकर आई थी येलो तो मैं सेनी लाई थी येलो मेरे पास है अलग से लेके आई मैंने येलो भी लगा तो जो मैं खान मतलब जो मिठाई वगैरह बनेगी घर पे दो तीन दिन पहले का ये मैं कान्हा जी की येलो वाली का था उसके बाद बनने लगती है वो मिठाई का सामान मैं सारा लेकर आप मुझे कमेंट फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताना आपने क्या आपको मेरी शॉपिंग में सबसे पहले क्या अच्छा लगा है मीन और सब भी ये लेकर आई थी मैं मैचिंग अगर आप पूछना चाहते हो कि ड्रेस व्हाइट किस ड्रेस का प्राइस कितना है वो आपको मुझे कमेंट कर देना मैं आपको कमेंट में बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी डाल दूंगी मैंने कौन से सबसे लिया है तो फ्रेंड्स हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय यूट्यूबर फैमिली तब तक के लिए बाय बाय वीडियो को सबसे शेयर करें दबा के और फटाफट से लाइक कर दीजिए जल्दी करके तो बाय बाय।